मेवात के थानेदार की दबंगई, भैंस के मांस को बतलाया गाय का मांस। आपको बता दें कि नूह गोटास के प्रभारी पर महिला के साथ मारपीट कर फर्जी मुकदमे में फंसाने के आरोप हैं। पुलिस अधीक्षक नूह को दी गई शिकायत सोशल मीडिया पर भी थी गोटास के प्रभारी के विरुद्ध कार्रवाई की मांग। बता दें कि नूह गोटास की टीम पर एक महिला के साथ मारपीट कर छोटे मुकदमे में फंसाने का मामला सामने आया है। पीड़ित पक्ष की ओर से नूह पुलिस अधीक्षक एवं आईजी रेवाड़ी रेंज को गोटास प्रभारी राधेश्याम और उसकी टीम के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की गई है। बता दें कि पुरुष कर्मचारी द्वारा महिला के साथ मारपीट के इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। सोशल मीडिया पर भी विवाद क्षेत्र में गोटास प्रभारी के विरुद्ध कार्रवाई की मांग उठने लगी है। पीड़ित जुबैर ने कहा है कि बीते 19 जून को गांव मेवली थाना नूह में बेटी जायफा के मकान में सुबह 6 बजे के करीब गोटास को फोर्स प्रभारी राधेश्याम साथी कर्मचारियों के साथ जबरन घर में घुसे। आरोप है कि जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए बेटी को अपमानित किया, फिर जबरदस्ती बंधक बनाकर थाने ले गए। बता दें कि पीड़ित का दावा है कि बेटी के मकान में रखे फ्रिज में भैंस का 2 किलो मांस था, जिसे प्रतिबंधित मांस बताकर कोटास को फोर्स ने थाने में बेटी के साथ लाठियां और घूंसे से बेरहमी से पिटाई की गई। फिर इस संदर्भ में एक फर्जी मुकदमा दर्ज करते हुए बरामद भैंस के 2 किलो मांस को 12 किलो प्रतिबंधित मांस बतलाया और दर्शा दिया, जबकि मकान में किसी प्रकार का प्रतिबंधित मांस नहीं था। जुबैर का कहना है कि गोटास फोर्स प्रभारी राधेश्याम और कर्मचारियों के द्वारा बेटी से ज्यादा मारपीट के कारण हालत खराब हो गई है। बता दें, उन्होंने कहा है कि जिला जेल सलंबा के कर्मचारियों ने बेटी को नलहड़ मेडिकल कॉलेज में उपचार कराया। इस संदर्भ में नूह पुलिस अधीक्षक सहित उच्च अधिकारियों को गोटास फोर्स प्रभारी और कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। इन आरोपों को लेकर नूह गोटास फोर्स प्रभारी राधेश्याम ने निराधार बताते हुए कहा है कि पुलिस आरोपी महिला को ठिकाने पर ताबिज देने पहुंची थी, जहां पर प्रतिबंधित मांस बरामद हुआ। नियमानुसार इस मामले में केस दर्ज किया गया है। महिला के साथ कोई मारपीट नहीं हुई। इनके पति पर पूर्व में भी गौ तस्करी और हत्या के मामले दर्ज हैं। वहीं इस घटना से मेवात क्षेत्र में गोटास को फोर्स पर भेदभाव से कार्रवाई करने के आरोप लग रहे हैं, जिनके विरुद्ध सोशल मीडिया पर कार्रवाई करने की मांग उठ रही है। मेरा मेरा जुबैर है जी, गांव मेरा दावड़ है। क्या हुआ था जी? वहाँ एक शेर गोश्त मांस का कुर्बानी का फ्रिज में रखा हुआ था, और आधा शाम की टीम पहुँच के आनी जी, वो मांस लिया है, लड़की घर से उठाई है। और कब की बात है ये जी? परसों की बात है। क्या नाम आपकी लड़की का? लड़की का नाम जायफा जी। और फिर उसने गांव कौन सा है? गांव मेरा उटावड़ है। छोरी कौन से गांव में? मेवली में ही जी, लड़की मेरी। फिर क्या हुआ? राधा सामने फिर उसको ला के पीटा गया है, फिर उसके तलवा में पैरों में लाठी मारी है और जेल में डाल दी। जेल में डालने के बाद सर उसको फिर ज्यादा हालत खराब हुए, आज उसको ललड़ लेकर आए हैं और सर उसकी ज्यादा हालत खराब करी गई है, ललड़ मारी गई है, पीटी गई है, राधा सामने मारी है। 6 बजे पुलिस बढ़ गई थी। हाँ, मेरे के घर है पुलिस बढ़ गई। 2 घर में दावा करा था इसमें, और एक हमारे छोटा देवर घर में पुलिस बढ़ गई थी। आके तोड़ फोड़ करिए, पहले तोड़ फोड़ करने के बाद उस बहू को बुलाया गया है, उतावड़ के नीचे पौधा वे उतार के लाए हैं, उसे जीना में से खिचेड़ के लाए उसे, हाँ ऊपर किए हुए घर के मार चढ़ी रोती रोती जब हुआ खिचेड़ के लाए थे, राधे शाम लाया जाके, फिर जैसे अंदर बड़ी झट्टी उसे गोश पा गए उसे। अच्छा, क्या नाम जायफा उसे गोश पा गए राधे शाम में, उसे मार पिटाई करी उसके साथ, मार पिटाई करी, फिर उसे फोटो नहीं खिंचवा रही थी, जबरदस्ती मिठाई फोटो खिंचवाने के लिए लाठी दिए, 4-5 ने कब्जे कर ली, जब फोटो ना खींचा ढाटो लगा ली, ढाटो हटा दिया, ढाटा लगा हटा दिया, जब पामन की पी गोश धरते 1.5 से 2 सेर गोश हो वो भैंस का, जब ही हम कहें साबुत दिखाओ, हम तो कबर के धरो, जब इनमें ही बढ़िया दिखाए फोटो खींच लिया ठंडी से, मैं आई थी, मैं भगा दी, चल बाहर निकल,
फिर मैं गई हूँ भक्कनी बुलाने की जलाने की मिल की जाओ छोड़ जाओ मैं वतन जोड़ के खड़ी होगी भाई ना न छोड़ी मेरे पास साथ मेरे पास भगवान जो आज कोई पटकंग देगी मैं उसे फिर पटक के नहीं धक्कान तो लाठी तो मार के नहीं बढ़ना रही वहाँ मैं वो भाणी खिचड़ी देगा हाँ जब ना बढ़ रही जब धक्कान से वहाँ पटकी है जाई फा उसे दुख दे दे के जब पटक के जब चारण ने दाब के बैठा वहाँ बराबर तू चारू दाब के बैठे ऐसा नहीं होना चाहिए हमने इंसाफ चाहिए भाई। अच्छा कोई पुराना कोई मुकदमा था पुराना मुकदमा था वो तो गांव सारे गांव के लिए था तो सरपंच की लड़ाई में आया था बस वहाँ मुकदमा हो भाई। अच्छा जब पुलिस यहाँ आई थी आपके घर पे तो हाँ? यहाँ पे कोई लेडीज पुलिसकर्मी कोई कोई नहीं था लेडीज नहीं थी सब आदमी आदमी कोई लेडीज नहीं थी दो गाड़ी आई थी लेडीज थी तो मारपीट फिर किसने की मारपीट राधे श्याम ने की थी राधे श्याम की टीम की सारी मैंने हाथ पकड़ो है मैं नौकरी राधे श्याम भींच के बिठा ली हूँ लड़की रो रही है अब हम गए भाई ना जान दे हमें नहीं गोली चला दे गंडा ने ले लिया भगड़ नहीं दी हम निकल के अब क्या चाहते हो हम इंसाफ चाहते हैं राधे श्याम सस्पेंड होना चाहिए हम इंसाफ चाहते हैं।